नमस्कार सभी को, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल पे। और आज हम लोग करने वाले हैं 12th ज्योग्राफी बुक नंबर 2, चैप्टर नंबर 2 एंड पार्ट नंबर भी 2। सो पार्ट नंबर 2 में इस चैप्टर में हम लोग पढ़ने वाले हैं कंसिक्वेंसेस ऑफ माइग्रेशन। ठीक है, कि जब भाई एक पर्सन दूसरे प्लेस पे जा रहा है तो क्या उसके होते हैं कंसिक्वेंसेस, परिणाम क्या होते हैं उसके, क्या फर्क पड़ता है उस एरिया पे जहां से गया है और क्या फर्क पड़ता है उस एरिया पे जहां पे गया है, जहां से गया है जहां पे गया है, दोनों पॉइंट ऑफ व्यू यहाँ पे आपको जानने बहुत जरूरी होते हैं। सो क्या कहते हैं, देखो भाई होता क्या है माइग्रेशन, बताओगे मैंने आपको कि माइग्रेशन इज अ प्रोसेस, माइग्रेशन इज अ रिस्पॉन्स टू द अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ अपॉर्चुनिटीज ओवर स्पेस। समझ रहे हो, इंडिया इंडिया में हर जगह बिजली पानी नहीं है, इंडिया में हर जगह एमएनसी नहीं पहुंची है। क्यों? क्योंकि इंडिया में हर जगह पर टेक्नोलॉजी भी नहीं पहुंची है। तो यही बात है कि जब एक बंदा दूसरी प्लेस पे जा रहा है तो वो जाता क्यों है, वो जाता है बेटर अपॉर्चुनिटीज के लिए, अच्छी हेल्थ के लिए, अच्छी फैसिलिटीज के लिए। तो इसी का कारण होता है आपका मेन माइग्रेशन, चाहे वो कमाने के लिए जा रहा है किसी और काम जा रहा है। इट क्रिएट बोथ बेनिफिट्स एंड प्रॉब्लम्स फॉर बोथ द एरियाज, प्लेस ऑफ ओरिजिन एंड डेस्टिनेशन, जहां से गया है जहां पे गया है, दोनों के लिए फायदे भी हैं दोनों के लिए नुकसान भी है। आइए हम पढ़ते हैं कि भाई नुकसान क्या है उसके, फायदे क्या है। सो कंसिक्वेंसेस आर सब डिवाइडेड एज अंडर। द फर्स्ट पॉइंट इज इकोनॉमिक कंसिक्वेंस। सबसे पहले आपको आर्थिक परिणाम पढ़ने के, भाई इसके आर्थिक परिणाम क्या होते हैं, क्या इसके इकोनॉमिक कंसिक्वेंसेस हैं। सो द फर्स्ट पॉइंट इज रेमिटेंसेस सेंट बाय इन माइग्रेंट्स इज अ मेजर सोर्स ऑफ इनकम फॉर द प्लेस ऑफ ओरिजिन। देखो भाई एक बंदा दिल्ली से पंजाब गया, ठीक है, पंजाब जाके वो बंदा कमा रहा है और कमा के वो पैसा दिल्ली भेज रहा है, तो ये क्या है, दिल्ली वालों के लिए जो दिल्ली परिवार है उसका, वो उसके लिए मेन सोर्स उसका इनकम है, सोर्स मतलब, ठीक है, इनकम का सोर्स है आपका ये। नेक्स्ट पॉइंट, इट इज अ सोर्स ऑफ फॉरन एक्सचेंज फॉर द कंट्री। अगर हम एक देश की बात करते हैं तो देश की करेंसी, एक दूसरे देश की करेंसी हमारे देश में आ रही है, तो ये क्या है, एक अच्छा मतलब हमारे लिए फॉरन एक्सचेंज बन रहा है आपका, ये एक तरह से विदेशी पूंजी हमारे पास में आ रही है। अगर यहाँ पे कंट्री की बात करते हैं, थ्रो इंटरनल रेमिटेंसेज आर लेस कंपेयर टू इंटरनेशनल बट दे प्ले अ क्रूशल रोल इन द लोकल इकोनॉमिक ग्रोथ। हालांकि जो कंट्री इंटरनल मतलब एक कंट्री के अंदर होता है वो लेस होता है कंपेयर टू इंटरनेशनल, बट वो भी काफी अच्छा रोल प्ले करता है एक कंट्री की इकोनॉमी को ग्रो करने में। इट इज यूज फॉर फूड, रिपेमेंट ऑफ डेब्ट्स, मैरिज, हेल्थ, एजुकेशन एक्सेट्रा। भाई एक बंदा पैसे जो कमाता है वो अपने उतारने, उसको कर्ज उतारने, खाने पीने में उड़ाता है आपका वो, ठीक है। इट इज द लाइफ लाइन फॉर द पुअर विलेजेस ऑफ बिहार। अगर हम बिहार की बात करें, यूपी की बात करें, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, हिमाचल की बात करें, तो यहाँ से लोग जो है वो एक अच्छी जगह जाते हैं जहां पे उनको अच्छी अर्निंग्स मिलती है और वो यहां से कमा के अपने गांव बेचते हैं या अपने विलेज बेचते हैं, जिससे वो अपना जो उनके होते हैं रोजी चलाते हैं अपनी वो, ठीक है। दीज माइग्रेंट्स वर इंस्ट्रूमेंटल इन द सक्सेस ऑफ इन रेवोल्यूशन इन पंजाब हरियाणा, ठीक है, पंजाब हरियाणा में जो हुई थी आप हरित क्रांति उसके अंदर इनका काफी बड़ा योगदान था आपका। अब ये तो आपका हो गया पॉजिटिव इंपैक्ट, पॉजिटिव मतलब अच्छी बात भी, अगर एक नेगेटिव पॉइंट भी देखें इसका मतलब क्या होता है, इन द फॉर्म ऑफ ओवर क्राउडिंग एंड डेवलपमेंट ऑफ स्लम्स इन द इंडस्ट्रियली डेवलप्ड स्टेट्स। भाई एक देखो ना, एक दिल्ली, मुंबई, कलकत्ता और बैंगलोर है, इन चार जगहों पर अगर पूरे बाकी राज्यों के लोग घुस जाएंगे तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पर जाएगा आपका यहाँ की जो विकास है वो रुक जाएगा और यहाँ पर जाएगी आपकी ओवर क्राउडिंग, मतलब जितनी लिमिट है उससे अधिक लोग पहुंच जाएंगे आपके। सो क्या था आपको, ये थे आपके इकोनॉमिक कंसिक्वेंसेस, नेगेटिव भी और पॉजिटिव भी। नेगेटिव हालांकि ये किया, पॉजिटिव आपके चार पॉइंट्स थे। नेक्स्ट, डेमोग्राफिक कंसिक्वेंसेस, इट लेड्स टू रिडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द पॉपुलेशन एंड समटाइम्स क्रिएट इम्बैलेंस इन द एज एंड सेक्स रेशियो। भाई भाई सपोज क्या, देखो भाई दिल्ली में मैंने बोला दिल्ली में 900 औरतें हैं और 1000 पुरुष हैं, मैंने एग्जांपल ले लिया। अगर पुरुष और मतलब आगे बाकी राज्यों से एकदम से और लोग आते हैं तो वहां पे हो जाएगा, वहां का जो होता है सेक्स रेशियो क्या हो जाएगा, बिगड़ जाएगा आपका, कि भाई 1500 पुरुष हैं और 900 महिलाएं हैं, तो ये क्या होता है, ये होता है आपका इम्बैलेंस, जब एक जगह से दूसरी जगह पे लोग पहुंचते हैं आपका। एज एंड सेक्स सेलेक्टिव आउट माइग्रेशन फ्रॉम द रूरल एरियाज हैव एडवर्स इफेक्ट्स ऑन रूरल डेमोक्रेटिक स्ट्रक्चर। में काफी जो होता है वो फर्क पड़ता है वहां के गांव के उनके एटमोसफेयर का भी आपका, ठीक है। सो ये क्या था, ये था आपका डेमोग्राफिक कंसिक्वेंसेस। नेक्स्ट, सोशल कंसिक्वेंसेस, माइग्रेशन ओपन्स द अरीना ऑफ द सोशल एक्सचेंज ऑफ आइडियाज, थॉट्स, नॉलेज, टेक्नोलॉजी, फैमिली प्लानिंग, एजुकेशन एक्सेट्रा। अवेयरनेस इज जनरेटेड फ्रॉम द अर्बन एरिया टू द रूरल एरियाज। एक शहर से एक गांव, जब एक व्यक्ति एक
एक गांव से जब एक व्यक्ति शहर में आता है तो शहर में आके यहाँ के तौर तरीके, यहाँ की चीजें वो सीखता है और वही चीज जाके वो दिखाता है अपने गांव के लोगों को, तो क्या हो रहा है ये, उनको आइडियाज मिल रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर जैसे हम लोगों देखे, हम लोगों ने इंडिया के बाहर से हम लोगों ने बहुत चीजें अडॉप्ट की हैं, तो जो इंडियंस इंडिया के बाहर गए थे वहां सीख के आए, एजुकेशन हम लोग सीख के आते हैं, चीजें हम लोग सीख के आते हैं, नए नए इनोवेटिव आइडियाज हम लोग सीख के आते हैं। तो ये क्या है, ये का ये आपका एक पॉजिटिव पॉइंट है, किसका, सोशल कंसिक्वेंस का। जाए बंदा गांव से शहर आए, चाहे जाए वो आपका शहर से गांव, कुछ ना कुछ वो सीख कर जरूर आता है आपका। इसलिए लोग कहते हैं कि गांव की जिंदगी और जिंदगी शहर की काफी अलग होती है। नेक्स्ट, माइग्रेशन हैज पॉजिटिव इम्पैक्ट ऑन द डिफरेंट कल्चर्स ड्यू टू इंटरमीडिएट सॉरी ड्यू टू इंटीग्रेटिंग ऑफ पीपल। देखो भाई क्या होता है, ऑब्वियस सी बात है यार, जब कुछ दिल्ली दिल्ली क्या है, तो दिल्ली एक हब है, दिल्ली में आपको हर तरह के लोग मिलेंगे, दिल्ली में बिहारी, पंजाबी, मद्रासी, आपकी बंगाली, हर तरह के, गुजराती, क्यों, क्योंकि दिल्ली एक हब बन चुका है। तो दिल्ली में आपको हर त्योहार मिलेगा, डांडिया से लेके छठ पूजा तक, चाहे वो दिवाली हो, फिर चाहे आपकी वो दुर्गा पूजा हो, तो एक हब है। तो ये हमारे लिए होता है प्लस पॉइंट कि डिफरेंट कल्चर हम लोग देखते हैं, सीखते हैं, समझते हैं उसको। इट्स पॉसिबल बिकॉज ऑफ माइग्रेशन। नेक्स्ट, ऑन द कॉन्ट्रेरी इट इज ऑल्सो हैज नेगेटिव इम्पैक्ट। नेगेटिव पॉइंट भी है इसका क्या, इट लीड्स टू द सोशल वैक्यूम एंड सेंस ऑफ रिजेक्शन अमंग इंडिविजुअल, समटाइम लीड टू एंटी सोशल एक्टिविटीज, क्राइम एंड ड्रग एब्यूज। अब कभी कभार ये लोग यहाँ पे ऐसा भी कहते हैं कि भाई ये जो लोग हैं ये उस देश से आए हैं या उस गांव से आए हुए हैं, उस स्टेट के गंदगी फैला रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, नशे करवा रहे हैं, तो ये इसका एक नेगेटिव पॉइंट भी हो सकता है, बट ऐसा होता नहीं है, बट इसको आप डाल सकते हो। नेक्स्ट, एनवायरमेंटल कॉन्सिक्वेंसेस, रूरल अर्बन माइग्रेशन लेट्स टू एक्स्ट्रा प्रेशर ऑन द एग्जिस्टिंग सोशल एंड फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर ऑफ द अर्बन एरियाज इन टू द अनप्लान्ड ग्रोथ एंड स्लम्स। देखो भाई क्या होता है, सोसाइटी अगर प्लान्ड है, इकोनॉमी प्लान्ड है, तो आगे बढ़ती है, लेकिन जब बाहर से ये लोग आ रहे हैं और कहीं पर भी रह रहे हैं और कुछ भी हो रहा है, तो भाई झुग्गियां झोपड़ी यहीं बन जाती हैं, ये कंसिक्वेंसेस का एनवायरमेंटल आपका है। नेक्स्ट, ओवर एक्सप्लोटेशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेस। भाई देखा ही होगा आप लोगों ने यार, जब हमारे पास जो रिसोर्सेज हमारे पास में वैली कम है, अब उसमें 10 लोग आ देंगे, फिर जॉब की दिक्कत पड़ेगी आपको, जॉब्स के लिए मरेंगे लोग यहाँ पे, झगड़ेंगे यहाँ पे, तो ये रहता है आपका, ठीक है। मतलब कहते ना घनत्व, पॉपुलेशन डेंसिटी, इतने एरिया में 10 लोग तो रहेंगे, अगर यहाँ बढ़ दोगे 10 लोग आपका, तो कितनी होगी आपको दिक्कत, ठीक है। टू एक्यूट प्रॉब्लम ऑफ डिप्रेशन ऑफ ग्राउंड वाटर, एयर पॉल्यूशन, डिस्पोजल ऑफ सीवेज एंड मेंटेन मैनेजमेंट ऑफ सॉलिड वेस्ट। तो ये सब दिक्कतें आ जाती है जब आपका ओवर एक्सप्लोटेशन आपका होता है किसी की भी लाइफ में आपका। नेक्स्ट लास्ट पॉइंट क्या आता है आपका, अदर्स आता है कि मेल सेलेक्टिव एंड सेलेक्टिव आउट माइग्रेशन लीविंग देयर वाइव्स बिहाइंड पुट्स एक्स्ट्रा फिजिकल एंड मेंटल प्रेशर ऑन द वुमेन इन द रूरल एरियाज। जब अपनी वाइफ को लोग छोड़ के आते हैं गाँव में, तो उन औरतों पे, उन महिलाओं पे एक तरह का लगा लो मेंटल और फिजिकल जो होता है प्रेशर पड़ जाता है, ठीक है, वो अपने आपको अकेला फील करते हैं उस टाइम पे आपका। नेक्स्ट, लॉस ऑफ ह्यूमन रिसोर्स फ्रॉम द प्लेस ऑफ ओरिजिन इज अ सीरियस कॉस्ट दैट दे पे फॉर रेमिटेंसेस दैट दे रिसीव। अपनी जन्मभूमि को छोड़ के कहीं और जाना, वहां कमा के दोबारा जन्मभूमि भेजना, ये एक बहुत नेगेटिव पॉइंट होता है आपके लिए। द एडवांस स्किल मार्केट हैज बिकम ग्लोबल एंड द डेवलप्ड नेशंस आर हायरिंग द ट्रेन वंस फ्रॉम द पुअर कंट्रीज। बड़ी बड़ी कंट्रियां, छोटी छोटी कंट्रियों के स्किलफुल लेबर्स जा रहे हैं। इंडिया आज पीछे पीछे क्यों है, इंडिया इसलिए पीछे है क्योंकि इंडिया में है रिजर्वेशन। अगर इंडिया में भी डिजर्व कैंडिडेट को चीजें मिलती, तो आज सुंदर पिता जैसे लोग इंडिया में ही होते, या कल्पना चावला जैसे लोग हमारे इंडिया में होते आज। क्यों, वो बाहर क्यों गए, क्योंकि यहाँ पे है रिजर्वेशन, यहाँ पे डीजल लोगों को कुछ नहीं मिल रहा है, तो इसलिए उन्होंने माइग्रेट किया था नेक्स्ट पॉइंट पे। नेक्स्ट, दो माइग्रेशन ऑफ वुमेन इनहेंसेस देयर ऑटोनॉमी बट आल्सो इनहेंसेस देयर वल्नरेबिलिटी, द माइंड सेट नीड्स टू बी चेंज इन दिस रिगार्ड। ठीक है, लास्ट पॉइंट में क्या है कि भाई वुमेन नहीं जा पाती है बाहर, उनको दिक्कत होती है, बट उनको भी वो चाहती है जाना, पर वो इतना माइग्रेट नहीं कर पाती हैं आपको, तो ये भी फर्क पड़ता है, आपकी फैमिली को भी डालता है। आई होप कि आपको चैप्टर नंबर 2 का जो एंडिंग हो चुकी है हमारी, आपको समझ में आ गया हो, आप चैप्टर आपको अच्छा लगा हो, अच्छा लगा है तो लाइक करें, नहीं लगा है तो शेयर करें। थैंक यू सो मच।